वन वन रैंक पेंशन एक मूंगफली भी कांग्रेस ने दिया 22-25 साल 25 साल क्यों पेंडिंग था मेरा उसको जवाब उन्होंने अप्रूव किया खाली लिप सर्विस हाँ देंगे किया किया नहीं जो आदमी ये कहता है कि चाइना बॉर्डर पे लेबर को भेज दो किसान को भेज दो वो चीन को परास्त कर देंगे ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है कैन यू इमेजिन उसके अनुसार एक किसान रफाल में बैठेगा और

कभी मेघ पे ध्यान ही नहीं दिया पाई मलाई मलाई। तो इस सारी कहानी जो आर्मी का मोरल डाउन है वो सफेद झूठ, वाइट लाए। लाए। ये, ये फेक, फेक नैरेटिव है।, है ये, ये बकवास है।, है नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है चुनाव नजदीक है प्रधानमंत्री मोदी फिर से लोगों के सामने वोट मांगने के लिए निकल पड़े हैं हर राज्य में कुछ न कुछ तोहफा दिया जा रहा है लेकिन एक प्रोपोगेंडा चल रहा है और दलाल पत्रकारों के द्वारा आर्मी बड़ी नाराज है मोदी से ये जो अग्नि वीर का जो स्कीम आया उससे नाराज है वन पेंशन को लेकर के लोग नाराज हैं लोगों की सहूलियत छीन ली गई है ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से आए आर्मी छिन्न भिन्न हो गई है इस तरह के प्रोपगेंडा ऐसा सफेद झूठ तो आज हमने सोचा जनरल एस पी सिन्हा को ही बुला लेते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इसलिए बुलाया हूं कि ये जानने और समझने के लिए कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी के आने से आर्मी जो दुनिया की सबसे बेस्ट कॉम्बैट आर्मी है उसका मोरल डाउन हो गया या फिर प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हिंदुस्तानी जवानों के सैनिकों के ऑफिसर्स के मोरल जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच गया क्योंकि जो अचीवमेंट है उसको एक फेलियर दिखाने की कोशिश में हिंदुस्तान में कुछ वो 500 डॉलर पर बिकने वाले पत्रकारों के द्वारा ये एजेंडा चलाया जा रहा है क्या है सच्चाई फेक नैरेटिव है अपोजिशन का फेक नैरेटिव है जो अपोजिशन पार्टीज के चमचों का फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है जो स्वर से फंडिंग हो रही है झूठ बोलने का इनको पैसा मिल रहा है फौजी हम हैं हमको पता है मोरल क्या होता है इनको क्या पता है क ख में क्या फर्क है इनको फौज के बारे में पता ही नहीं है अब बकवास करते रहते हैं ये पैसा लेके खाली दलाली करते हैं सब झूठ है मैं बताना चाहता हूं 2014 के पहले स्थिति क्या थी सेना में लोग पाकिस्तान पे गोली चलाने से डरते थे कि जेल भेज दिया जाएगा एंटनी ने कर्नल पठानिया को मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए जेल भेज दिया क्या बात कर रहे हैं सही कह रहा हूं कर्ण पठानिया मिशेल सेक्टर फायरिंग के लिए उस फूल्ड कर्नल को जेल भेज दिया गया एंटनी ने मतलब पाकिस्तानी गोली मार रहे हैं हाँ गोली पाकिस्तान तुम पर चलाए नो प्रॉब्लम तुम पाकिस्तान पे गोली चला जेल जाओ मतलब हम खाते रहे खाते रहो मरते रहो खाते रहो मरते रहो इसको रक्षा मंत्री मतलब नहीं है इनको यहाँ तुष्टिकरण करना है पाकिस्तान इनका बॉस है कांग्रेस का पाकिस्तान पे गोली नहीं चला सकते कैसे दो हजार चौदह के बाद क्या हुआ बताता हूँ दो मोदी जी ने बहुत करेक्टली अप्रिशिएट किया क्या क्या बिंदु ऑपरेशनल फ्रीडम है ही नहीं लोग भय से कांपते रहते हैं चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चाहे पाकिस्तान पे गोली चलाना हो या चीन के वो चाइना इंडिया बॉर्डर पे इंफ्रा डेवलप करना हो चीन को सबक सिखाना हो डरते थे कि एंटनी कहीं पत, नहीं। आ, अपना कल पठानिया वाला फेट ना हो जाए तो ऑपरेशनल फ्रीडम मिलिट्री इक्विपमेंट देना क्वांटिटी क्वालिटी एज़ पर डब्ल्यू ई और इक्विपमेंट टेबल टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ था आर्ट टेक्नोलॉजी देना उसके बाद मेक इन इंडिया करना इंपोर्ट कंटेंट घटाना जो 68 परसेंट था और पीएसयू को रियोगनाइज करना ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाना नहीं वो तो अलग कहानी है अलग मुझे बताइए कि एक आम सैनिक उसके जीवन को असर करने वाली चीजें जिससे मोरल डाउन होता है अप होता है उसमें क्या क्या चीजें हैं मैं बताता हूं आप बता रहे थे कि 2014 के पहले क्या क्या हो रहा था वो जरा सा पहले लिस्ट कीजिए 2014 के पहले क्या था कि ऑपरेशन फ्रीडम नहीं था डिफिशियंसी था क्वांटिटी क्वालिटी का इंपोर्ट कंट्री था 68 परसेंट मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट था ही नहीं लोग मजाक उड़ाते थे आत्मनिर्भरता थी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर 73 थ्री रोड्स की जॉर्ज फर्नान्डिस जी ने कल्पना की थी तो कई सालों में कितना रोड बना दस बारह सेवन सेवनटी में मतलब जॉर्ज फर्नान्डेस ने सेवनटी थ्री रोड्स की कल्पना की थी कांग्रेस के रिजेम में दस बारह बने मोदी जी आते ही तीन चार साल के अंदर खड़क खट डी जी बी आर का

पुराने जनरल कर्नल जो है वहां भाषण देते हैं इस पे जैसा क्लैरिटी कीजिए कि क्या ओ आर में क्या एग्जैक्ट पोजीशन है मैं बताता हूँ 22-25 साल हो गए सेना वन रैंक वन पेशन का डिमांड कर रही थी कांग्रेस के जमाने में कितने कमेटी थे एक सेक्रेटरी का कमेटी दिया और क्या बहाना दिया गया नहीं करने का लीगल फाइनेंशियल और टेक्निकल एंगल से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता तीन रीजन तीन लीगल फाइनेंशियल और, और टे, टेक्निकल टेक्निक। टेक्निक। और प्रणब दादा भी एक कमेटी के बॉस थे प्रणब दादा को तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन प्रणब दादा भी तो पार्टी और हर, हर हाईनेस के हुक्म से तो चलेंगे ना सोनिया गांधी के हर हाईनेस तो हर हाईनेस तो के हुक्म से वो हु, नहीं कर पाए बेचारे यदि प्रधानमंत्री बन जाते तो कर देते इसलिए जब राष्ट्रपति बने तो मोदी जी के तो शुभ थे थे क्योंकि तो वो देख लिया राष्ट्रपति अब प्रधानमंत्री ने क्या किया हाँ तो प्रधानमंत्री याद हो कि हरियाणा में जब एड्रेस कर रहे थे सबसे पहले सबसे पहले मैं स्टेज पे सेकंड रो में बैठा हुआ था मेन स्टेज पे मेन स्टेज पे बैठा था उन्होंने क्या कहा पहला फाइट क्लियर करूंगा वन रैंक वन पिक्च उसके बाद क्या हुआ ये ब्यूरोक्रेट जो है ना

सेटल्ड हो चुका है तो फिर भी इसको में। अरे भाई कोई डॉक्टर एट्टी परसेंट ट्रीट कर देता वो है वो सक्सेसफुल डॉक्टर है तो ये जो लोग जो कर्नल जनरल जो है वो कांग्रेस पार्टी के मंच पे बैठ के भाषण देते हैं अरे मनीष तुम अपने मेरे फौजी भाइयों के खिलाफ मुझसे क्यों करवाते हो यार नहीं उनके खिलाफ मैं मतलब वो वेस्टेड इंटरेस्ट राजनीति कर रहे हैं करेक्ट वो भी हर हाईनेस को खुश करना चाहते हैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूं हर हाईनेस को खुश करना चाहते हैं वो दिल में जानते हैं सच क्या है मैं सिंपल एक सवाल पूछता हूं देशवासियों से और सेना के उन लोगों से जो आके जो स्टेज पे बकवास करते हैं सिंपल वन क्वेश्चन चलो एक वन 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 पेंशन एक मूंगफली भी कांग्रेस ने दिया बाईस पच्चीस साल पच्चीस साल क्यों पेंडिंग था मेरा उसको जवाब दे दो

और वो चार साल के लिए आपको भर्ती करेगा उसके बाद जो है किसी मॉल में दरवान बना देगा तुमको जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी क्या ये इस तरीके से हम अपने सैनिकों के बारे में कहते हैं कैसा लगता है आप लोगों को बहुत खराब बहुत खराब मैं बहुत कुछ राहुल गांधी के खिलाफ बात कर सकता हूँ बहुत कुछ जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है वो राष्ट्रित वो राष्ट्रद्रोही है बस इतना करके चुप जाओ राजद्रोही है ही नोज नथिंग अबाउट सेना जो आदमी यह कहता है कि चाइना बॉर्डर पे लेबर को भेज दो किसान को भेज दो वो चीन को परास्त कर देंगे ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है कैन यू इमेजिन उसके अनुसार एक किसान रफाल में बैठेगा और बीड़ी पिएगा उड़ा लेगा रफाल एज पर हेम इस आदमी का मन का संतुलन बिगड़ चुका है साइकेट्रिस्ट एग्जामिनेशन की जरूरत है इसका मन गुड़ गोबर हो चुका हो चुका है मनीष तो वो बकवास कर मैं सिंपल चीज पूछता हूँ कारगिल वॉर का रिपोर्ट क्या था कि सेना का प्रोफाइल यह घोरना चाहिए भाई हम लोग सैनिक स्कूल में कांटी विलेज में पांच पांच किलोमीटर सात सात किलोमीटर दौड़ते हैं अब तो मैं नहीं दौड़ सकता क्यों एज फैक्टर एज फैक्टर टोल लेता है फिजिकल एफिशियंसी का अनुभव बढ़ता है फिजिकल एफिशंसी घटता है घटता है सही बात है और फौज में तो कर्नल तक अटैक करते हैं और अपना जान गंवाए हैं शहीद हुए हैं कर्नल तक कमांडिंग है है तो सवाल कैसे है एज प्रोफाइल तो कम होना चाहिए सोल्जर्स का राइट भाई धावा कर तो सोल्जर करेगा ना और कंपनी कमांडर भी या, कमांडर या यंग ऑफिसर कैप्टन मेजर लीड करेगा तो एज प्रोफाइल कैसे कम होगा जब यंग लोगों को रिक्रूट करोगे तो यदि सौ रिक्रूट किए आप अग्नि किया ट्वेंटी फाइव परसेंट तो बेस्ट सेलेक्ट कर रहे हो ना राइट तो दे आर द क्रीम भाई शॉर्ट सर्विस हंड्रेड परसेंट पी मिल गया था परमानेंट कमीशन बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं तो फिर जब शॉर्ट सर्विस कांग्रेस तुम लाए उसमें पीआरसी तुम कितना परसेंट देते थे वो ठीक है अब मोदी जी जवानों को लाए और ट्वेंटी परमानेंट जॉब दे रहे हैं तो गलत है अरे यार समझ में नहीं आता लॉजिक दूसरी बात एक चीज बताओ मनीष कौन सी संस्था है विश्व में भारतवर्ष में जो तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है टेंथ क्लास पास हो या ट्वेल्थ क्लास पास हो है? को, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग है तुमको 25 से तीस हजार रुपया दे रहे हैं ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहे हैं उसके बाद चार चार स्टेट गवर्नमेंट बोला कि हम इनको अपने स्टेट में लेंगे रिक्रूट कर लेंगे जॉब रिजर्वेशन पी पीएसयू में जॉब रिजर्वेशन मिलेगा उसके बाद रिटायरमेंट के समय पच्चीस लाख रुपया मिलेगा अपना दुकान खोलो चलाओ इतना सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड से बनता है बकवास करता है ये समाज में कम से कम डिसिप्लिन तो होगा अरे एक एक, एक गांव में दस अग्निवीर होंगे तो कोई जिहादी फिर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा अरे मैं जब पांच बजे उठता हूं वॉक के लिए जाता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप इतना उम्र हो गया आपको अभी भी आप फौजी की तरह पांच बजे उठ जाते हो तो हम बोले यार हमारा ट्रेनिंग ऐसा है हम चाह के पांच दस हुआ तो हम मन घबराने लगता है कि यार आज रूटीन में लफड़ा हो गया है सेट हो जाता डिसिप्लिन वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर ही इज ए सोल्जर टिल डेथ उसकी ट्रेनिंग हो गई उसके लग गया इंजेक्शन डिसिप्लिन का रूटीन मेंटेन करने का तो सवाल पैदा होता है वैकेंसी हुआ लोगों को जॉब मिला यंग प्रोफाइल हुआ एक्सपीरियंस मिला अब ये बच्चे जब बाहर जाएंगे तो पी में क्या बोलेंगे तुम जैसे वो शशि शशि कपूर क्या बोला था अमिताभ बच्चन बोला तुम्हारे पास क्या है मेरे पास माँ है बोला था ना फिल्म है पता नहीं कौन सा फिल्म था तो इनसे पूछोगे तो पास क्या है सेना का अनुभव ये देखो सब कुछ वही खेल बदल जाता है तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ढकोसला क्रिएट किया जा रहा था कि भाई आर्मी नाराज है इनफैक्ट आर्मी नाराज नहीं अरे आर्मी बहुत खुश है मोदी जी से पहली बार आर्मी को ऑपरेशनल फ्रीडम मिला है सम्मान मिला है स्टेट टेक्नोलॉजी मिला है इक्विपमेंट डिफिशियंसी थर्टी फोर फोर्टी फोर फाइटर जेट स्वाड्स ऑथराइज है हेल्ड है थर्टी फोर दस का डिफिशियंसी है ट्वेंटी फाइव परसेंट फेज आउट हो जाएगा मिक ट्वेंटी वन वगैरह 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 मिक ट्वेंटी सेवन वगैरह फिर कितना बचा हाफ पे आ गए स्ट्रेंथ पे क्या ये पे सीनरियो है हम टू 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 एंड हाफ फ्रंट सीनरियो की बात करते हैं होल्डिंग फाइटर जेट का होल्डिंग है फिफ्टी परसेंट टच करने जा रहा है और ये कोई नहीं बताता कि दो हजार चौदह के समय उस समय एक रिपोर्ट आई थी कि हिंदुस्तान में सेना के पास कितने बॉम्ब धमाके करने के लिए क्या बैटल रेडी तो बहुत ही खराब रिपोर्ट आई थी मुझे याद है 2013 के आसपास 12 के आसपास बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि अगर पाकिस्तान या चीन से हमला हो जाए तो लोग इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि हमारे पास वेपन नहीं है गोले नहीं है टैंक है लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या ये बात सही सही है आप तो उस डिपार्टमेंट में यस

Not with Units का साथ अपना है और डब्बे में सेंट्रल में। डेपो में, में सी एडी में और एडीज में होना चाहिए और थर्टी डेज ऑफ नॉर्मल ब्रेक तो दो महीने का डब्ल्यू डब्ल्यू आर होना चाहिए क्या था नहीं कितने दिन का था <laughs> छोड़ो नहीं बताना जरूरी अब अब तो अब तो हम तो बदल गया है देश अब तो हमारे पास सब कुछ आ गया है ये कांग्रेस पार्टी के समय कितने दिनों के लिए हम लोग लड़ने की तैयारी में थे कितना कैपेसिटी हमारे पास था उस समय के आर्मी चीफ ने क्या कहा था सात आठ दिन का भी नहीं है सात आठ दिन का भी नहीं है उस समय के आर्मी चीफ का कोट कर रहा हूं मैं कांग्रेस जमाने में एक ही था कोई भी इक्विपमेंट अवेलेबल कराने के लिए सेना को दो ही रास्ता है मेक और बाई या तो बनाओ या खरीदो कभी मेक पे ध्यान ही नहीं दिया बाई मलाई मलाई ऑर्डर लो मलाई तो ये सारी कहानी जो आर्मी का मोरल डाउन है वो सफेद झूठ वाइट लाई ये फेक नैरेटिव है ये बकवास है ये मोदी जी को का की छवि दूषित करने का ये क्या की सोच प्रोपेगेंडा है।, प्रोपेगेंडा है।, है और ये ये 2024 तक कुछ और झूठ फैलाएंगे और झूठ फैलाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने डिटेल में सारी जानकारी दी और सबसे बड़ा जो सबूत कि आर्मी का मुराल कैसा है यह बॉर्डर पे देखने को मिलता है चीन जैसा जैसे कह सकते हैं कि इंपीरियलिस्ट पावर लाखों ट्रुप्स ये हिंदुस्तान के बॉर्डर पे मोबिलाइज करके ले आता है और एक इंच आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि वहां पे भारतीय सेना बड़ी दमखम के साथ वहां पे तैनात है यही हुआ है लेह के अंदर अब बहुत सारे ट्रुप्स चाइनीज वो वापस चले गए क्यों क्योंकि वहां पे अब कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है पहले आए दिन पाकिस्तान हम पे गोलियां चला रहा है महीनों बीत गए इस तरह की खबर सुनते हुए कि सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की साइड से हुआ है तो ये फर्क आया है और ये फर्क इसलिए आया है कि आर्मी का जो जोश है वो बिल्कुल हाई है और ये हाय तोबा मचाने वाला जो ब्रिगेड है ये पाकिस्तान और चाइनीज खालिस्तानी देश को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं और अपने आप को पत्रकार और डिफेंस एनालिस्ट बता रहे हैं आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद